समझेंगे मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। इससे संबंधित प्रमुख बिंदु, मिरिस्टिका स्वैम्प के बारे में महत्व और वर्तमान स्थिति। समझते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केरल के त्रिशूर जिले में पहली बार मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग को देखा गया। समझते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं को। वैज्ञानिक नाम मरकुराना मिरिस्टिका पालुस्टिस है। यह पश्चिम घाट का स्थानिक है। यह दुर्लभ वानस्पतिक प्रजाति पेड़ों के बीच में या अंदर रहने वाली है। ये प्रजनन के मौसम के दौरान केवल कुछ हफ्तों के लिए सक्रिय रहते हैं। अद्वितीय प्रजनन व्यवहार। अन्य मेंढकों के विपरीत इनका प्रजनन मौसम मानसून से पहले मई में शुरू होता है और मानसून के पूरी तरह से सक्रिय होने से पूर्व ही जून में समाप्त हो जाता है। प्रजनन मौसम की समाप्ति से पहले मादा और नर मेंढक एक साथ वन भूमि में उतरते हैं। मादा मिट्टी खोदती है और उथले कीचड़ में अंडे देती है। प्रजनन या अंडे देने के बाद वे पेड़ की ऊंची केनोपियों में वापस आ जाते हैं और अगले प्रजनन के मौसम तक वहीं रहते हैं। समझते हैं मिरिस्टिका स्वैम्प के बारे में। मिरिस्टिका स्वैम्प उष्णकटिबंधीय जंगलों में मीठे पानी का दलदली क्षेत्र होता है, जिसमें मिरिस्टिका पेड़ों की बहुलता होती है। मिरिस्टिका के पेड़ पृथ्वी पर पाए जाने वाले फूलों के पौधों में सबसे आदिम हैं। इन सदाबहार और जल सहिष्णु पौधों की जड़ें गहरी होती हैं, जो इनको स्थूल काली और गीली जलोढ़ मिट्टी में खड़े रहने में मदद करती हैं। ये पेड़ अपने बंद केनोपी की वजह से काफी घने जंगल का निर्माण करते हैं। यह दलदल आमतौर पर घाटियों में पाए जाते हैं, जिनके कारण मानसूनी बारिश के दौरान वहाँ बाढ़ का खतरा रहता है। समझते हैं इसके महत्व को। अनुसंधान और अध्ययन। इन दलदलों को प्राचीन जीवन के जीवित संग्रहालयों के रूप में माना जाता है, जो पौधों के विकास पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने में मदद कर सकते हैं। चरम घटनाओं की जांच। इन दलदलों की उच्च जल विभाजक क्षमता होती है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण इनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश के मौसम में बाढ़ और कटाव की स्थिति उत्पन्न होती है तथा शेष वर्ष सूखा रहता है। निवास स्थान। ये उभयचर सरीसृप और स्तनधारियों सहित अकशेरुकीय और कशेरुकीय प्रजातियों की समृद्ध विविधता के लिए निवास स्थान प्रदान करते हैं। अनुमान है कि संपूर्ण केरल की आर्द्र भूमियों में 23% तितलियां, 50% से अधिक उभयचर और 20% से अधिक सरीसृप तथा पक्षी रहते हैं। कार्बन पृथक्करण। इसमें गैर दलदली वनों की तुलना में कार्बन को स्टोर करने की अधिक क्षमता होती है। ये कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं और कृषि वानिकी तथा अन्य भूमि उपयोगों द्वारा उत्सर्जित कार्बन को स्टोर कर सकते हैं। एचई क्लास के करंट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब